जय हिंद दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि मीरा भाईंदर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट तो हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि मीरा भाईंदर का रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कल तक का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो मीरा भाईंदर में 8,956 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 7,275 रिकवर हो चुके हैं, यानी करीब 81% पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक पॉजिटिव आंकड़ा है। और मैं एक और बात बताना आपको चाहूँगा कि मीरा भाईंदर 146 से विधायक प्रताप सरनायक ने मनपा आयुक्त को एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि मीरा भाईंदर में भी रोज़ दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए, जैसे पहले खुला करती थी रोज़। अभी आपको पता ही होगा कि ऑड इवन वाइज P1 P2 वाइज मीरा भाईंदर में दुकान खुल रही है। तो विधायक प्रताप सरनायक ने मनपा आयुक्त से ये अपील की है कि अभी मीरा भाईंदर में भी दुकानदारों को रोज़ दुकान खोलने की परमिशन दी जाए, यानी रोज़ दोनों साइड की दुकानें खुलें। विधायक प्रताप सरनायक ने अपने पत्र में ये पॉइंट भी हाईलाइट किया है कि मीरा भाईंदर का रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, रिकवरी रेट अच्छा है, तो मीरा भाईंदर में दोनों साइड की दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए। विधायक प्रताप सरनायक ने ये बात का भी जिक्र किया है कि मीरा भाईंदर का डेथ रेट थोड़ा ज़्यादा है, यानी मैं अगर बताऊं आपको तो मीरा भाईंदर में 8,956 पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 291 की मृत्यु हो चुकी है, यानी करीब 3% पेशेंट्स की मृत्यु हो चुकी है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है डेथ रेट। तो इस बात का भी जिक्र किया है विधायक प्रताप सरनायक ने कि डेथ रेट को कम करने के लिए मनपा को विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम आते हैं कि वो उसका मेन मुद्दा जो था वो लेटर का, वो यही था कि ऑड इवन वाइज जिस तरीके से दुकानों को खोला जा रहा है मीरा भाईंदर में, अभी ये रूल हटा देना चाहिए और रोज़ दुकानों को खुलने की अनुमति दी जानी चाहिए पहले की तरह, मतलब कि दोनों साइड की दुकानें रोज़ खुलें। आप सबको पता ही होगा कि मुंबई में अभी रोज़ाना दोनों साइड की दुकानें खुल रही है, यानी उधर अभी ऑड इवन या P1 P2 वाइज का रूल अप्लाई नहीं होता है, यानी अभी उधर रोज़ दुकानें खुल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि मनपा आयुक्त इस पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द मीरा भाईंदर में भी दोनों साइड की दुकानों को रोज़ खुलने की परमिशन दे और इससे दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगा, अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।